बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे भिंडी गोश्त का सालन। चले आएं, शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मैंने 750 ग्राम भिंडी ली थी। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था और इसका जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है उसको काट कर मैंने इस साइज के पीसेस में काट लिया था। अब हम इसे फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, एक पैन में हम 1 कप के करीब ऑयल लेंगे और इसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें कटी हुई भिंडियां ऐड करेंगे। और इसे कलर चेंज होने तक 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, भिंडियां फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, तमाम भिंडियां फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे। अब इसी ऑयल में मैंने प्याजों को फ्राई करना है। मैंने 4 प्याज लिए हैं और उनको बारीक काट लिया है और इनको 3 से 4 मिनट के लिए बस हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसे भी भिंडियों में ऐड कर देंगे। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। व्यूअर्स, हम एक बर्तन में 1/2 कप ऑयल डालेंगे और इसमें 2 दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें 1/2 kg मटन मिक्स ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मजीद फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 3 टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, सूख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे दरमियानी आंच पर तकरीबन 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक के लिए पकने रख देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। व्यूवर्स, गोश्त गल चुका है अच्छी तरह, अब हम इसे भून लेंगे। व्यूवर्स, गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है और इसका ऑयल भी निकल आया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज और भिंडियां ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 1/2 चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 खाने का चम्मच अनारदाना पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। भिंडी, प्याज और गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि जो गोश्त और मसाले का फ्लेवर है वो भिंडियों में अच्छी तरह ऐड हो जाए। व्यूअर्स, भिंडी और गोश्त तैयार हो चुका है, अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ले व्यूअर्स, मज़ेदार भिंडी गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।